कार्स जितनी भी एडवांस हो जाएं, मोस्टली एंथुजियास्ट इन्हें बोरिंग ही कहते हैं, बट अगर इनकी रेपुटेशन और एक्साइटिंग कोई ब्रांड बना सकता है तो वो है Porsche, और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है। नई टाइकान के साथ अब आप इसे भारत में खरीद सकते हैं, प्राइस स्टार्ट होते हैं मात्र 1.5 करोड़ रुपए से। टाइकान के सभी वेरिएंट्स इंडिया में अवेलेबल होंगे, इंक्लूडिंग द क्रॉस टूरिज्मो, इसका एस्टेट वर्जन जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकलिटी ऑफर करता है। इस कीमत पर एंट्री लेवल टाइकान अपनी प्लेटफॉर्म सिबलिंग और रिसेंटली लॉन्च हुई ऑडी ई-ट्रॉन जीटी से एक हेल्दी मार्जिन से सस्ती है। विद मनी नो बार, आप इनमें से कौन सी ईवी पिक करेंगे, कॉमेंट्स में बताइए हमें। इसके साथ साथ Porsche ने मकान फेसलिफ्ट भी लॉन्च की है, जिसके प्राइसेस और चेंजेस दोनों आगे बताएंगे। फिलहाल शुरू करते हैं Porsche की पहली ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी टाइकान के साथ। फिलहाल हमारे साथ इस इवेंट पर टाइकान का बेस वेरिएंट पार्क है, बट आपको इंडिया में टर्बो एस खरीदने का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी इसका सबसे एक्सट्रीम वेरिएंट, वो 761 एचपी की पावर और 1050 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क डिलीवर करता है, और इसका रिजल्ट एक ब्रूटली फास्ट 0-100 kph टाइम ऑफ 2.8 सेकेंड्स। अब Porsche का कहना है इसे 5-80% चार्ज होने में सिर्फ 22 मिनट्स लगते हैं, लेकिन वो अगर आप एक 270 किलोवाट के फास्ट चार्जर से कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में आपको मिलते हैं 50 किलोवाट तक के डीसी फास्ट चार्जर्स, जहां इसे 0-80% चार्ज करने के लिए 93 मिनट्स तक लग सकते हैं, और ये 11 किलोवाट का एसी चार्जर जो हमारे साथ है वो फुल चार्ज के लिए 9 घंटे लेता है, जो एक्सेप्टेबल है। इसकी WLTP रेंज अप टू 464 किलोमीटर तक हो सकती है, जो किसी परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार के लिए काफी अच्छा नंबर है। लुक्स के मामले में टाइकान Porsche के आइकॉनिक डिजाइन फिलॉसफी में फ्यूचरिज्म का तड़का लगाती है। फ्रंट में LED मैट्रिक्स हेडलैम्प्स विद एयर कर्टेंस ऑन द साइड, मस्कुलर बोनेट, साइड में 20 इंच के ऑप्शनल एरो व्हील्स और रियर में फेमिलियर सिंगल लाइट बार मिलकर इसे डिस्टिंक्टिव Porsche लुक देते हैं। प्रैक्टिकलिटी फ्रंट पर ये आगे 81 लीटर्स की स्पेस और बूट में 366 लीटर्स की स्पेस लाती है। Porsche Taycan का कैबिन एक स्पेसशिप जैसा लगता है, यहाँ पर स्क्रीन्स का भंडार लगा हुआ है, यहाँ पर पैसेंजर तक को स्क्रीन मिलती है, साथ ही यहाँ पर बीच में स्क्रीन है, आपके सामने स्क्रीन है जिनको आप टच कैपेसिटिव बटन्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ बीच में आपको एक और स्क्रीन मिलती है जिससे आप इसका क्लाइमेट कंट्रोल और बैटरी लेवल्स और गाड़ी के दूसरे वाइटल फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। और अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर हर कोने में बहुत ही बढ़िया मटेरियल क्वालिटी है, यहाँ पर हर जगह पे सॉफ्ट टच लेदर है, यहाँ पर भी मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर एनोडाइज फिनिश दिया गया है एसी वेंट्स के आसपास, यहाँ पे कप होल्डर्स के आसपास भी, और इसकी सीट्स 18-way पावर एडजस्टेबल है, जिसका मतलब परफेक्ट ड्राइविंग पोजिशन या फिर सीटिंग पोजिशन ढूंढना काफ़ी आसान है। हाँ, प्रैक्टिकलिटी की बात करें, Porsche प्रैक्टिकलिटी के लिए जानी जाती हैं, यहाँ पर ढेर सारी स्टोरेज स्पेसेस हैं, यहाँ पर हॉलोड आउट स्पेस है इसके कंसोल के नीचे, साथ ही इसका बड़ा सा ग्लव बॉक्स है, इसमें बहुत बढ़िया मटेरियल क्वालिटी है, बाकी डोर्स पैड्स में आप बॉटल्स और मैगजीन्स वगैरह होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आर्म रेस्ट है इसके नीचे भी स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग ट्रे मिलती है, बट आजकल के जो 6-inch फोन्स हैं वो यहाँ पर फिट नहीं हो पाएंगे। इसकी फीचर्स लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है, जैसे 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल, एक्टिव स्पॉइलर और तमाम कन्वीनियंसेस जो इसके लग्जरी टैग को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन इसका एक मेन टॉकिंग पॉइंट है फुट गराज, ये कोई मसाजिंग फंक्शन नहीं है, बट एक टेक्निक है जिसके थ्रू Porsche ने इसकी बैटरीज को बहुत क्लेवरली स्टोर किया है, जिसका मतलब यहाँ पर फुट स्पेस बहुत बढ़िया मिलता है, ये स्लांटेड है आपको फील होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा फुट स्पेस है, मैं यहाँ पर अपने पैर आगे पसार सकता हूँ, तो अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया मिलता है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द क्लेवर इंजीनियरिंग दैट Porsche हैज डन हियर। बहुत बड़ा आपको एक फिक्स्ड ग्लास रूफ मिलता है, इसके साथ इसकी सीट्स एकदम स्कल्प्टेड हैं, आपकी बैक एकदम इसमें सिंक हो जाती है, इसकी सीट्स पर आप लंबी जर्नीज आराम से काट सकते हैं, उसके साथ यहाँ पर आपको 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, इसके अलावा इट्स स्ट्रिक्टली अ 4-seater बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ऊंचा हम्प है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक ट्रे है, यहाँ पर कुछ चार्जिंग ट्रे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप सामान कुछ रख सकते हैं, इसके साथ ये कप होल्डर्स मिल जाते हैं आपको फोल्डेबल आर्मरेस्ट में, एंड दैट्स अबाउट इट फ्रॉम द रियर सीट ऑफ द Porsche Taycan। बट दैट्स नॉट इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि अब Porsche ने सिर्फ अपनी ऑल इलेक्ट्रिक Taycan ही लॉन्च नहीं करी है, इसके साथ साथ मकान को भी एक फेसलिफ्ट मिल गया है, एंड ये प्रॉबेबली इसका लास्ट फेसलिफ्ट है बिफोर अ न्यू जनरेशन मॉडल कम्स। इसकी प्राइसेस 83 लाख से स्टार्ट होती हैं, और ये अवेलेबल है अभी 3 वेरिएंट्स में, ये है स्टैंडर्ड मकान, देन देयर इज द एस,
और इसके अलावा द टॉप स्पेक GTS। 2021 मकान की फ्रंट ग्रिल और रियर डिफ्यूजर अब ज्यादा बोल्ड हैं, वहीं इसका आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी एरोडायनामिक्स के लिहाज से चेंज हुआ है। लेकिन असली बदलाव इसके सेंट्रल कंसोल में हुआ है, जो बटन्स को बाय बोल के टच सेंसिटिव कंट्रोल्स अपना चुका है। इसके साथ साथ ये पहले से ज्यादा पावरफुल भी हो गई है। इसका 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अब 20 हॉर्स पावर ज्यादा बनाता है। वहीं इसका S और GTS वेरिएंट अब 2.9 लीटर V6 से फिटेड है, जो पहले से छोटा होने के बावजूद ज्यादा पावरफुल है। इसके GTS वेरिएंट की 440 HP की पावर फिगर्स मकान टर्बो से मिलती जुलती हैं। पोर्शे मकान एज अ CBU आती है और इसकी कीमत 83.21 लाख से शुरू होती है, जो प्री फेसलिफ्ट मॉडल से लगभग 13 लाख रुपए ज्यादा है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऑटो जगत की लेटेस्ट न्यूज, रिव्यूज और इंटरव्यूज हिंदी में देखने के लिए व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।